दल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताने वाले हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल क्या बनाएं आप स्ट्रेटजी। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और खास मेहमान कौन रहेंगे हमारे साथ, आज परिचय करा दे। हमारे साथ हैं आज प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ मेरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, कुशल से जानेंगे आज बाजार का कैसा रहा हाल। कोलगेट के दिसंबर तिमाही के नतीजों का अनुमान हमें बताएंगे वरुण, साथ ही इंडिगो के नतीजों का अनुमान हम जानेंगे सृष्टि से। दिसंबर तिमाही में कैसे रहेंगे मारुति सुजुकी के नतीजे बताएंगे कुशल। और कमजोर बाजार में भी आईटी शेयरों को कहां से मिल रही है ताकत जानेंगे आशीष से। लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं बाजार का आज का कारोबार। तो बाजार में लगातार चौथे दिन हमने देखा मुनाफा वसूली रही हावी, जिसकी वजह से निफ्टी 270 अंक टूटकर 14,000 के नीचे बंद हुआ, तो सेंसेक्स 938 अंक लुढ़ककर 47,410 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में जमकर आज पिटाई हुई और जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी करीब 3% टूटकर बंद हुआ। FIIs और DIIs का डेटा क्या कहता है उस पर भी एक नजर डाले थे। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1688 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है, तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3.38 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। और बाजार पर एडिटर से के लिए अनिल जी के पास सीधे चलेंगे। अनिल जी, आज भी बाजार में भारी गिरावट हमें देखने को मिली, वजह क्या रही है और संकेत क्या मिल रहे हैं इस वक्त बाजार से? भारतीय बाजारों के लिए एक और बेहद कमजोरी भरा सेशन रहा। आज के सेशन में लगातार चौथे दिन बाजार लाल निशान में और अच्छी खासी तेज गिरावट के साथ बंद होते दिखे। अब ढेर सारे ट्रिगर से, कल वायदा कारोबार की महीने की एक्सपायरी है जनवरी महीने की, उसके बाद पहली तारीख को यानी कि सोमवार को बजट आने वाला है। उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े सुस्ती के मूड माहौल में है और आज रात अमेरिका में फेड की अहम बैठक है, उसके बाद भी अमेरिकी बाजारों की दशा दिशा का पता चलेगा। तो ये सारे ट्रिगर्स के बीच में बिकवाली हावी रही। वजह, लोगों को थोड़ा डर है कि बजट में कहीं कुछ ऐसा ना आ जाए जो बाजार को पसंद ना हो। हालांकि FIIs की तरफ से कोई बिकवाली के आंकड़े ज़्यादा नहीं थे, इनफैक्ट खरीदारी के आंकड़े थे वायदा कारोबार में। पुट कॉल रेशियो आपको ये बता रहा है कि बाजार ओवरसोल्ड है, उसके बावजूद बाजार तेजी से गिरते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी तेजी की पोजीशन कम होने का भी डर है और साथ ही बजट से ठीक पहले शॉर्ट पोजीशन बनने का भी है। और यही वजह हर एक लेवल पर आपको बिकवाली आती दिखी। आज के सेशन में सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि 14,000 के एक अहम मनोवैज्ञानिक स्तर को बाजार ने आसानी से तोड़ा और उसके बाद वापस मुड़कर ऊपर आने की कोशिश तक नहीं की, तो और क्लोजिंग भी 14,000 के नीचे दिखी। तो जनवरी के महीने में शायद ये पहली ऐसी क्लोजिंग है जो हमने 14,000 के नीचे निफ्टी पर देखी है। बैंक निफ्टी तो परसों ही अच्छी खासी कमजोरी के संकेत दे चुका था, आज फिर से 30,000 के नज़दीक पहुंचने की कोशिश बैंक निफ्टी करता हुआ दिखा, तो वहां पर भी 900 पॉइंट का दबाव दिखा। सेंसेक्स 900 पॉइंट गिरते हुए नजर आया, तो ओवरऑल चौतरफा बिकवाली का माहौल था। बाजार के दिग्गजों से बिकवाली का मूड बनता हुआ दिख रहा है। रिलायंस पिछले कुछ दिनों में 10% से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। HDFC बैंक जैसे बड़े दिग्गज जो निफ्टी में अपना वजन रखते हैं, ये कमज़ोर है। इन सब के चलते अच्छी खासी बिकवाली होती हुई दिखी है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि बजट से ठीक पहले बिकवाली का माहौल बना हुआ है और न ही ग्लोबल संकेत इतने मजबूती के हैं कि वो बिकवाली को थाम सके। और दूसरी ओर फ्लोज जो FIIs की तरफ से बड़ी मजबूती के थे, वो खराब तो नहीं हुए बहुत, लेकिन कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं या कम मजबूत नजर आ रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। तो इन सारे ट्रिगर्स के बीच में भारतीय बाजारों के लिए एक और खराब ट्रेडिंग सेशन आज देखने को मिला। अब कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने अनिल जी कहा वायदा बाजार के एक्सपायरी, उससे पहले क्या खास ख्याल रखें और किन लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए, ये हम आपसे कल की स्ट्रैटेजी समझेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आज जो हमने मुनाफा वसूली देखी, वहां पर किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था, समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल से। कुशल जरा बताएं आज बाजार में खबरों के चलते कहां सबसे ज्यादा एक्शन था।
जी, तो बाजार में लगातार चौथे दिन जो है बिकवाली का माहौल हमें देखने को मिला, और इसमें अगर आप देखें तो निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की जो सूची है वो काफ़ी लंबी थी, और यहाँ पर जो टाटा के स्टॉक्स थे, खासकर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसे शेयरों में भारी बिकवाली का दबाव हमें देखने को मिला। पर दूसरी तरफ अगर आप गेनर स्टॉक्स में देखेंगे तो गेनिंग डाउन्स जो है वो स्पेसिफिकली IT स्टॉक्स माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आने के बाद जो है अच्छी बढ़िया मजबूती जो है दिखाते हुए दिखे, जिसमें टेक महिंद्रा जो है लीड करता हुआ नजर आया। यही नहीं, अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक जाएंगे तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस आप देखिए, बैंक निफ्टी 900 अंकों से ज़्यादा की गिरावट होती हुई दिखी, और यहाँ पर एक्सिस बैंक, येस बैंक, HDFC बैंक जैसे शेयर जो है 3 से 3.5% तक लुढ़कते हुए दिखे। यही नहीं, NBFCs पर भी दबाव जो है हमें साफ तौर पर देखने को मिला, जिसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस टॉप लूजर निकल कर आया। मेटल स्पेस भी जो है लगातार बिकवाली का रुझान यहाँ पर भी बना हुआ है बाजार के फॉल के साथ। यहाँ पर भी टाटा स्टील के साथ साथ हिंडालको, JSW स्टील में भी बिकवाली देखने को मिली, और अंत में अगर रियलिटी स्पेस की भी बात करें तो यहाँ पर DLF जो है टॉप लूजर निकल कर आया। FMCG की जहाँ तक बात है, यहाँ पर थोड़े से गेनिंग ग्राउंड्स बनते हुए नजर आए, जिसमें कोलगेट और नेस्ले जैसे शेयर जो है हरे निशान में बंद होते हुए सफल हुए। और अंत में ZK हिट कॉल्स की अगर हम बात करें तो रूट मोबाइल यहाँ पर हिमांशु जी ने आपको दिया था, साथ ही यूनाइटेड ब्रिवरीज बेहतरीन जो है यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला, शुभम जी का कॉल था, ITC सिमी जी ने आपको दिया था, और टाइटन का सेल कॉल जो है वो किरण जी ने आपको दिया था। तो कहीं ना कहीं बाजार की गिरावट में भी आपको मुनाफा वसूली का जो है ट्रेंड देखने को मिला, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ओवरऑल बाजार का मोमेंटम बजट के पहले थोड़ा सा वीकनेस अभी भी हमें देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया कुशल फिलहाल इस जानकारी देने के लिए आपका। अविनाश जी का सीधे रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, एक बड़े इवेंट से पहले बाजार में गिरावट का ये दौर, लगातार चौथा दिन हमने मुनाफा वसूली देखी है, क्या अभी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, और लगता है बजट तक कुछ ऐसा ही ट्रेंड बरकरार रहेगा बाजार का? मुझे लग रहा है कि स्वाति, सबसे बड़ी बात है कि आज FIIs की जो लिक्विडिटी का सेल ऑफ आया है उससे बाजार थोड़ा सा चिंतित है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बजट तक हो सकता है कि मार्केट्स में ये जो कॉशस माहौल है वो कंटिन्यूसली रहेगा। जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 14,000 रहेगा। अगर मार्केट शॉर्ट टर्म में 14,000 का लेवल क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी, और उसके बाद तो ऑफकोर्स 1 फरवरी को क्या अनाउंस होता है। तो मेरे ख्याल से गिने चुने जो फ्रंटलाइन कंपनीज है, जो प्रोमिनेंट सेक्टर्स में प्लेस्ड है, जैसे कि बैंक है, एग्री में है, कैपिटल गुड्स में है, तो यहाँ पे नजर जरूर रखें, क्योंकि ऐसे सेक्टर्स में हमको लग रहा है कि पॉसिबली ये बजट में कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स आएंगे। तो मोटा मोटी मार्केट्स क्लोज रेंज में रहेगा, कल एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली थोड़ी और वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन ओवरऑल 14,000 का लेवल अभी नियर टर्म में निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके अविनाश जी, अब हफ्ते भर में तो बहुत बड़ा इवेंट बजट है ही, अब पोजिशनल व्यू किसी को रखनी हो तो हफ्ते भर की जो नजर है कहां पर रखी जाए? स्वाति, आई थिंक पोजिशनल व्यू हमको सीमेंट सेक्टर पसंद है, और हमको लग रहा है कि हो सकता है कि बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट कर सकती है। तो ऐसे एक स्पेस में हमको इंडिया सीमेंट्स काफ़ी पसंद है। आज इस कंपनी के नतीजे आ गए, नतीजे थोड़े से उम्मीद से कम थे, लेकिन जिस प्रकार से कंपनी ने प्रॉफिट में बाउंस बैक दिखाया है, करीबन 62 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में दिखाया है, तो पिछले क्वार्टर में लॉस था, और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की कीमतें सीमेंट की फर्म है, प्लस जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड आने वाले क्वार्टर्स में आएगा, यहां से हमको लग रहा है कि नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट मीडियम टर्म में भी ये स्टॉक काफी अच्छा करेगा। हफ्ते भर के लिए हमको लग रहा है 175-176 का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है, और यहां पे 160-161 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, तो ये डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल पिक मेरी तरफ से। तो हफ्ते भर की खरीदारी इंडिया सीमेंट में करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। आगे बढ़ेंगे, बातचीत जारी रखेंगे, नतीजों का सीजन चल रहा है और कई प्रीव्यू हम आपको देने वाले हैं, हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट अनुमान लेकर आए हैं। सबसे पहले कोलगेट का प्रीव्यू समझते हैं, कोलगेट के दिसंबर तिमाही के नतीजे पेश होंगे तो अनुमान क्या कहता है, वरुण जरा बताएं कोलगेट प्रीव्यू। देखिए, कोलगेट के नतीजे बेहतरीन रहेंगे, इस कंपनी की रेवेन्यूज़ में करीब 7% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, एबिटा करीब 15% बढ़ेगा, और मुनाफा जो है उसमें करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 240 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। देखिए, इस कंपनी की जो टूथपेस्ट की वॉल्यूम ग्रोथ है वो बेहतर रहने वाली है, करीब करीब 4 से 5% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान हम लगा के चल रहे हैं, क्योंकि डिमांड काफ़ी अच्छी थी और मॉडर्न ट्रेड में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिली है। इसके अलावा कंपनी ने कुछ प्राइस हाइक भी ली थी करीब 4-5% के आसपास की, तो उसका इम्पैक्ट भी होगा, और इसके लिए मार्जिन्स जो है उसमें सुधार होगा, 27.5 से बढ़ के करीब 29.7 के आसपास आ सकते हैं, यानी करीब 2% के आसपास इस कंपनी के मार्जिन्स में बढ़ोतरी हो सकती है। नज़र रखिएगा मार्जिन्स पे, साथ ही साथ नज़र रखिएगा इस कंपनी के एड स्पेंड्स पे, कि कितने एड स्पेंड्स से कंपनी बढ़ाती है और मार्केट शेयर किस तरह का कंपनी का निकल के आता है, इस पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया फिलहाल वरुण इस जानकारी देने के लिए आपका। वहीं कोलगेट के बाद मारुति सुजुकी पर भी नजर रख रहे हैं क्योंकि दिसंबर तिमाही के नतीजे मारुति सुजुकी भी पेश करने वाली है और नतीजे कैसे रह सकते हैं कुशल से एक बार फिर से जानते हैं। कुशल जरा बताएं मारुति का रिजल्ट प्रीव्यू कहता है क्या कहता है। जी तो कल आएंगे मारुति के नंबर्स और यहाँ पर बेहतरीन नतीजों की उम्मीद है क्योंकि वॉल्यूम की अगर आप बात करें तो यहाँ पर बेहतरीन वॉल्यूम की वजह से आय जो है करीब 14.5% बढ़ने का अनुमान है और 23,705 करोड़ की आय कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। साथ ही अगर आप कंपनी की मार्जिन की बात करें तो 10.2% से बढ़कर मार्जिन जो है 11.2% यानी 1% का इजाफा हम यहाँ पर भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी की जो ऑपरेटिंग लेवरेज है और साथ ही अगर आप खर्चों में कमी की बात करें तो उस वजह से कंपनी की मार्जिन जो है वो बेहतर होती भी दिखेगी और इसका इंपैक्ट अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे तो करीब 27% की बढ़त के साथ 1985 करोड़ का जो मुनाफा है वो कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है। और अब ये देखना बहुत जरूरी है मैनेजमेंट के साइड से कि कौन कौन से ऐसे नए प्रोडक्ट लॉन्चेज हैं 2021 में और साथ ही जो डीजल पोर्टफोलियो में जो री एंट्री की बातें चल रही है उस पर लेकर मैनेजमेंट को क्या कहना है उनकी क्या कॉमेंट्री है इस पर यह देखना बेहद जरूरी होगा। जी फिलहाल इस जानकारी के लिए कुशल आपका बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बताएं कि इसके अलावा और कौन से नतीजे आने वाले हैं। इंडिगो के दिसंबर तिमाही के नतीजे आएंगे और उस पर अनुमान क्या कहता है हमारी सहयोगी सृष्टि से समझते हैं। सृष्टि जरा बताएं इंडिगो के दिसंबर तिमाही के नतीजे क्या कहता है अनुमान। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 का असर एयरलाइन कंपनीज के कामकाज पर पड़ा है और अगर इंडिगो की बात करें तो पिछले 3 तिमाही से कंपनी घाटा दर्ज कर रही है। इस बार भी कुछ वैसे ही आंकड़े का आने का अनुमान है। सालाना आधार पर देखें तो पिछले साल जहां कंपनी ने 496 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था उसके मुकाबले इस बार करीब 400 करोड़ का कंपनी घाटा दर्ज कर सकती है। हालांकि जो घाटे का आंकड़ा है वहां पर ब्रोकरेजेस का जो मत है वो बटा हुआ है पर फिर भी कंपनी के अगर तिमाही आधार पर देखें तो ये घाटे का आंकड़ा कम होता हुआ नजर आएगा पर फिर भी मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखेगी कंपनी सालाना आधार पर। वहीं अगर कंपनी की आय की बात करें तो वहां पे भी करीब 50% तक की गिरावट का अनुमान है। 9,930 करोड़ की आय से घटकर इस बार कंपनी 4,885 करोड़ की आय दर्ज कर सकती है। वहीं अगर एबिटडा देखें तो कंपनी का जो एबिटडा है वो 57% तक की गिरावट दिखा सकता है। 845 करोड़ तक की आंकड़ा आते हुए आपको दिख सकता है। एक राहत की बात थी कि जो कच्चे तेल में सालाना आधार पर जो गिरावट देखने को मिली है वहां से थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ नजर आएगा पर जैसा कि हम जानते हैं कि सरकारी नियमों के चलते जितनी भी एयरलाइन कंपनीज हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे कामकाज नहीं कर पा रही हैं। अभी भी अगर हम नियम देखें तो करीब 80% तक की कैपेसिटी की उनको अनुमति है जिसके चलते कंपनी के कामकाज पर असर देखने को मिला है जिसका असर आप कंपनी की आय में भी देख सकते हैं। तो तिमाही आधार पर कंपनी कम घाटा दर्ज करेगी पर फिर भी जो घाटा है वो इंडिगो के नतीजों में दिखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया सृष्टि यहां पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। जरा अब फोकस शिफ्ट करते हैं आईटी शेयरों की तरफ। लगातार जोश भरा हुआ है कमजोर बाजार में भी हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट के दमदार नतीजों के दम पर आईटी शेयरों ने शानदार यहां पर परफॉर्मेंस दी है। जरा और जरा थोड़ी जानकारी इसमें लेते हैं हमारे से होगी आशीष से। आशीष जरा बताएं। देखिए आज कमजोर बाजार में भी अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। इसके पीछे का कारण यह है कि आईटी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नतीजे जारी किए और नतीजे जो हैं अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिले। बाजार अनुमान लगा रहा था कि जो इनकी आय है वो करीब $40 बिलियन के आसपास देखने को मिलेगी लेकिन $43 बिलियन के आसपास की जो आय है वो कंपनी ने दर्ज की है। मुनाफा अगर आप देखें तो वहाँ पर 33% की ग्रोथ देखने को मिली करीब $15.5 बिलियन रहा है और EPS में भी अगर आप देखें तो बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन ज़्यादा उत्साह इसके लिए देखने को मिला क्योंकि इनका जो डिजिटल क्लाउड सेगमेंट है यहाँ पर करीब 23% का उछाल देखने को मिला जिसके चलते ढेर सारी ऐसी कंपनीज जो हैं जिनकी अधिकतर आय जो है इस डिजिटल क्लाउड सर्विस के चलते आती है वहाँ पर एक खरीदारी का रुझान देखने को मिला। हैप्पीएस्ट माइंड 97% जो है इस सेगमेंट से आय आती है। टेक महिंद्रा करीब 44 से लेकर 45% के आसपास तक। इन्फोसिस में 47% है। विप्रो में करीब 42 से 44%। माइंट्री करीब 38%। कोफोर 40% के आसपास और TCS 33 से 36% जिसके चलते हमने देखा कि आज बाजार में आईटी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। बहुत शुक्रिया आशीष आईटी सेक्टर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। अविनाश जी आपसे जानेंगे आईटी सेक्टर पर आपकी क्या राय है और आपका कोई पसंदीदा शेयर।
मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में जो प्रोमिनेंट शेयर है वो टेक महिंद्रा रहेगा। हमको लग रहा है कि यहाँ पे डिजिटल और क्लाउड तो इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्लस ये 5G के लिए भी वेल पोजिशनड है। 5G की जो अपॉर्चुनिटी 2021 में आएगी वो काफी बड़ी होगी, और यहाँ पे इनका वर्टिकल स्ट्रेंथ 5G में है, टेलीकॉम में। तो मुझे लग रहा है कि ये शेयर डेफिनेटली और भी जाने के लिए जगह है, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, और मुझे लग रहा है कि आगे FY 2021 में भी काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इवन करंट लेवल से मिल सकता है। तो आईटी में जरूर इन्वेस्टेड रहे, कोई भी गिरावट अगर बाजार में आती है तो यहां पे जरूर एक्युमुलेशन करने की राय रहेगी। चलिए, आईटी सेक्टर की तो बात हो गई, और आगे बढ़ते हैं अब शो के खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन देखते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका शो में। अब बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताएंगे आज? जी नमस्ते स्वाति जी, आपके और आपके सभी दर्शकों को। तो आज हमने देखा कि गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनमें काफी मार पड़ी थी। निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विस तो ऑब्वियसली डाउन थे ही। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मन्नापुरम में जिन लोगों के पास है वो अपना पोजिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पुट खरीद सकते हैं। तो फरवरी महीने की 150 की स्ट्राइक प्राइस की पुट खरीद सकते हैं, 6.45 रुपए पे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 5 रुपए, टारगेट रहेगा 8.75। तो ये तो है एसेंशियली फरवरी के लिए। और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो 150 का जो पुट है वो 1 रुपए के आसपास है फिलहाल। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये 50 पैसे पे मिले, जनवरी सीरीज का 150 का पुट 50 पैसे मिले, तो आप उसी को ये भूल के कि 50 पैसे चले जाएंगे, आप शॉर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए जी, नमस्ते, धन्यवाद। आइए अब जानते हैं कल बाजार पर क्या रहे आपकी स्ट्रेटजी। सीधे अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, अब बजट से पहले कल भी एक इम्पोर्टेंट डे है, कल वायदा बाजार की एक्सपायरी है, कल किन लेवल्स पर नजर रहे और बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, कल के लिए सबसे बड़ा और अहम ट्रिगर ये होगा कि वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन है, और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन बेहद कमजोरी भरे रहे। तो एक उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि कल या तो गैप से खुलें और उसके बाद गिरें, या अगर गिरकर खुलें तो एक रिकवरी बन सकती है, क्योंकि अब जो अहम सपोर्ट लेवल है निफ्टी पर कल के लिए 13,850 के आसपास का बनेगा। 13,850 के नीचे और फ्रेश कमजोरी होना शुरू होगी, अदरवाइज 13,850 को एक बार आप सपोर्ट के तौर पर मान सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 14,150 हल्की रुकावट का लेवल है, जहां तक बाजार थोड़ा ऊपर गया तो प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आखिरी उम्मीद 29,930 के आसपास है, यह आखिरी सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे कमजोरी और बढ़ती हुई दिखेगी, और अब ऊपर की तरफ 31,000 को पार करना भी बैंक निफ्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इनफैक्ट 31,000 छोड़े 31,500-31,600 के आसपास भी हल्की रुकावट का लेवल है, वो पार किया तो 31,000 के आसपास बैंक निफ्टी भी अटकता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल बिकवाली का माहौल बनाए। अगर आज फेड की बैठक के बाद ग्लोबल मार्केट्स बड़े मजबूत हो जाएं और बड़ी तेजी अमेरिकी बाजारों में दिख जाए, हो सकता है आपको इंस्टीट्यूशनल डेटा उतने खराब नजर ना आए, क्योंकि बिकवाली ज्यादातर ट्रेडर्स की तरफ से होती हुई दिख रही है। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड दिखे, ये संभावना है, एक्सपायरी का दिन है, तो इन संकेतों के बीच में एक उछाल मिल सकता है। लेकिन जो बाजार का ट्रेंड बना है पिछले 4 दिनों से, अगर उछाल के साथ बाजार खुलेंगे तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी आपको आती हुई नजर आएगी, थोड़ी बिकवाली भी आती दिखेगी। तो वोलेटाइल ट्रेड के लिए, उतार चढ़ाव भरे बाजार के लिए आपको कल फिर से तैयार होना है। लेवल्स पर नजर रखें, पोजीशन ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ी सी कम कर लें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें, और ट्रेडिंग में आपका पैसा तभी बन पाएगा जब आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले पाएं, जो कि आसान काम नहीं है। तो ऐसे में बड़ी इवेंट्स के पहले थोड़ा वेट एंड वॉच, शांति से देखने समझने का वक्त है, बजाय इसके कि आप बड़ी ट्रेडिंग पोजीशन लेकर एक ही दिन में बड़ा पैसा कमाने की सोचें। ये बाजार वैसे नहीं है, थोड़े से बाजार रिस्की हो रहे हैं वोलेटिलिटी के लिहाज से, उतार चढ़ाव के लिहाज से, और ये दोनों के लिए, तेजी और मंदी करने वाले दोनों ट्रेडर्स के लिए हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी रखने का वक्त है। बहुत शुक्रिया अनिल जी कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का ऑप्शन। एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से बात करते हैं। नितिन जी बहुत स्वागत है, कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां बनाएं? देखिए, कल मंथली एक्सपायरी है और बजट के पहले की एक्सपायरी है, तो वोलेटिलिटी रहेगी, और इसमें हमें 14,000 की पुट ऑप्शन पे ध्यान देना है। अगर थोड़ा बाउंस मिले तभी खरीदना, यानी ये मुझे अगर 40-50 रुपए के आसपास मिलती है तो वो बेटर बाइंग लेवल होगा।
₹20 का स्टॉप लॉस होगा और करीब ₹80 के टारगेट्स होंगे, तो 14,000 की पुट ऑप्शन होगा। और दूसरा अगर स्टॉक हम देख रहे हैं तो SGFC लिमिटेड जो मुझे लग रहा है कि वीक हो सकता है, 2430 के टारगेट होंगे और 2485 के स्टॉप लॉस होंगे। बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने के लिए आपका। और शो के अंत में अविनाश जी आपसे समझेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कहां रखी जाए। इनफैक्ट स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमको एक यू नो यूनिकली पोजिशन कंपनी पसंद है, जो कंपनी का नाम है CCL प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी की इंडिया की सबसे बड़ी कॉफी प्रोसेसिंग कंपनी है, करीबन 90 कंट्रीज को ये कॉफी एक्सपोर्ट करती है और करीबन 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। इस कंपनी की खासियत है कि काफ़ी गिने चुने प्लेयर्स हैं जो ये एरिया में ऑपरेट करते हैं, काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 25-26% की EBITDA मार्जिन है। पिछले साल कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स दिखाए थे, 1140 का रेवेन्यू और 165 करोड़ का प्रॉफिट। हमको लग रहा है कि जो आने वाला साल है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, डिस्पाइट कोविड कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस मेंटेन किया है। और ऑब्वियसली आने वाले दिनों में कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है, इनका प्राइसिंग पावर ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात एक्सपांशन भी इनका काफ़ी जल्दी हो रहा है, प्लस B2C में ये अभी एंटर कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमको लग रहा है कि कंपनी को अच्छी तरह से पोजीशन करेगी। 6 से 12 महीने की अवधि है तो कम से कम 325-350 का टारगेट लेके इसको स्लोली एक्यूमुलेट करिए। कल कंपनी के नतीजे हैं, हमको लग रहा है नतीजे भी काफ़ी अच्छे आएंगे, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा पोर्टफोलियो पिक साबित हो सकता है। तो लंबी अवधि की खरीदारी CCL प्रोडक्ट्स में करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी बहुत शुक्रिया आप शो में शामिल हुए, साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के लिए शो में बस इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी बाजार आज और कल में। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।